मेरे जो YouTube के व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स का अक्सर मुझसे एक शिकायत रहती है कि सर आप जो पैक अपना बनाते हो वो पैक एक इस तरह डिजाइन करते हो कि भाई एक हाई क्लास लोग ही उसको ले सकते हैं। आप इस तरह का कोई पैक बनाया कीजिए कि जिससे एक आम आदमी जिसके खर्चे छोटे हैं, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा सोलर की आवश्यकता नहीं है, कम सोलर से भी उनका काम हो सकता है, तो उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। कई मेरे व्यूअर्स का ये कहना होता है कि सर ऐसा कोई पैक हम लोगों को आप बताइए कि हम EMI पे ले सकें या हम इंस्टॉलमेंट में करके हम लगवा सकें, हमारे पास अभी फंड का इशू है। और फ्रेंड्स बात सही भी है, ऐसे कोरोना काल में लोगों के काम धंधे चले गए, लोगों की जो आमदनी है उस पर इफ़ेक्ट तो हुआ ही है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मात्र 200 वाट पैनल से आप किस तरह अपना 1 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा लास्ट वीडियो या उससे सेकंड लास्ट जो वीडियो था उस पर अगर आप लोग कमेंट चेक करेंगे तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट है कि सर आपने प्राइस तो बताया नहीं, प्राइस लिखा है थंबनेल पे, प्राइस नहीं बताया है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं अपने वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं रखता हूँ कि बाद में आप लोगों को कमेंट करके जानने की आवश्यकता पड़े। आप लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ का डीलर का नंबर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए। आप देखेंगे यूट्यूब के जो जहाँ डिस्क्रिप्शन है हमारा या जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर दिए हुए हैं, आप सीधा एग्जीक्यूटिव्स को कॉल करेंगे, आपको जहाँ पर भी अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात आती है तो ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा कि जिसमें मैंने प्राइसिंग ना बताया हो, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को कोई डाउट रहेगा ही नहीं, मैंने उस वीडियो से रिलेटेड सभी डाउट्स ऑलरेडी क्लियर किए होते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो को कृपया पूरा देखिए। वीडियो की लेंथ में खामोखा नहीं बढ़ाता हूँ, उसमें मीनिंगफुल बातें ही होती हैं और जो ज़रूरी होती हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए आप वीडियो देखें तो आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज उससे मिले। तो फ्रेंड्स ये 200 वाट वाली बात जो है आप लोगों को लगा होगा कि मैंने कोई क्लिक बैट ये थंबनेल डाला है, एक्चुअली क्लिक बैट थंबनेल नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन मैंने आप लोगों को मैं ये पैक बताने वाला हूँ। अब होता क्या है कि कई सारे लोगों का इस तरह के उनके पावर कंजप्शन होते हैं, जैसे उनके घर पर एक दो फैन चलना है और या लाइट चलनी है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि चूँकि हम लोग तो पैक ही 1 KVA से हमारे पैक स्टार्ट होते हैं और 1 KVA में हम लोग बोलते हैं कि भाई आप 2 कम से कम बायोफिशियल पैनल लगाइए। तो क्या है कि किस तरह आप 200 वाट से अपना 1 किलोवाट का सिस्टम बना सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका तो ये है कि आपके घर पे अगर एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी पहले से लगा हुआ है, माना 1 बैटरी का इन्वर्टर बैटरी आपके यहाँ पे घर पे पहले से लगा हुआ है, तो आपको ये करना है कि एक 200 वाट का बायोफिशियल पैनल नेक्सस ने अभी लॉन्च किया है। तो 200 वाट का जो बायोफिशियल पैनल है, जैसे कि आप बायोफिशियल पैनल जानते हैं कि दोनों साइड से काम करता है और ऑलमोस्ट हर मौसम में काम करता है, तो बायोफिशियल पैनल के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी और अभी तो बायोफिशियल पैनल जो है वो मार्केट का काफ़ी हॉट प्रोडक्ट है, तो सभी लोग अवेयर हो गए हैं बायोफिशियल पैनल्स से। आज से 3 साल पहले तो जब मैंने वीडियो बनाया था तो लोग शौक देखे कि क्या कोई इस तरह का पैनल भी आता है बायोफिशियल पैनल। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्सस का 200 वाट का बायोफिशियल पैनल है वो एक पैनल, तो आपको करना ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी है उस पर आपको एक PWM चार्ज कंट्रोलर खरीदना है। अब जो PWM चार्ज कंट्रोलर है इसकी कीमत है करीब 1200 रुपये, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, 50 एम्पियर सपोर्ट 12 वोल्ट में आप इसको ले लीजिएगा। तो अब इसमें करना यह है कि आप आज आपके पास पैसे कम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर बैटरी आपके पास लगा हुआ है, ये फार्मूला नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जिनके घर पर ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी लगे हुए हैं। तो उसमें आपको ये है कि आप 200 वाट का एक पैनल अपना बाई कर लीजिए, 200 वाट का एक पैनल बाई कर लिया, एक कंट्रोलर आपने लिया और 200 वाट का पैनल आप उसके ऊपर लगा दिया। अब क्या है कि दिन के टाइम में आपका जो पावर कट होते हैं, या आपको ये है कि भाई जो 200 वाट का एक ही पैनल लगा रहे हैं वो कोई दुकानदार भाई हो सकते हैं कि भाई हमें तो दुकान में डे टाइम के लिए बस चलाना है अपना सिस्टम और रात में तो हमारी दुकान बंद ही हो जाती है, तो उनका एक पैनल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनका एक ही पैनल से उनका दिन का एक फैन चल जाएगा और उनकी शाम के टाइम लाइट वाइट वगैरह जल जाएंगी। अब ये है कि माना कि कुछ लोगों का ये है कि भाई थोड़ा लोड ज़्यादा है, आपने एक पैनल लगाया, आपको लगा कि भाई शाम को 4 बजे मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप
फ्यूचर में एक पैनल और बाई कर सकते हैं। 200 वाट का एक पैनल आपने एग्जिस्टिंग अभी रखा, 200 वाट का पैनल आपने एक और बाई कर लिया, तो 400 वाट हो गया, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। दो स्टेप में आपका खर्चा हुआ, आपको ना इन्वर्टर लेना पड़ा ना बैटरी लेनी पड़ी। तो ये एक पहला तरीका। अब इस तरीके का फायदा यह है कि आपको इन्वर्टर बैटरी नहीं बदलना पड़ रहा है, इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी है उसी से आपका काम चल गया। तो ये ट्रेडिशनल तरीका, बहुत आसान तरीका। बाइफेशियल पैनल की कीमत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी दूसरा जो तरीका है वो ये है कि भाई अब आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को तो इन्वर्टर बैटरी फ्रेश ही लेना है और पूरा सिस्टम फ्रेश लगवाना है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 1 KVA का MPPT PCU बनाती है एनेक्सस, आप 1 KVA का MPPT PCU लें और एक बैटरी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो एक बैटरी आपने उसके ऊपर लगाई, 150 Ah की लगा ली, माना 200 Ah की आपने एक बैटरी लगा ली, और आपने दो पैनल 200 वाट की आपने बाई कर लिए शुरू में। आप चाहें तो एक पैनल भी बाई कर सकते हैं, तो एक पैनल बाई किया है, दो पैनल बाई किया आपने, तो आपका सिस्टम जो है बन गया। अब ये जो चार्ज कंट्रोलर मैंने आप लोगों को बताया पहले वाले सिस्टम में, या जो मैं ये वाला PCU आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दोनों ही इतने कैपेबल हैं कि आप अप टू 5 पैनल तक इनके ऊपर लगा सकते हैं, मतलब एक एक करके आप 5 पैनल तक लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका बजट जो है वो बढ़ रहा है, मतलब आज आपके पास पैसे कम है, माना कोई बात नहीं, आज आपने एक पैनल ले लिया, आपने मुझसे पूछा कि EMI पे मेरे को सिस्टम लेना है, तो EMI तो आप अपनी खुद ही बना सकते हैं। आज आपने एक पैनल ले लिया, आपका काम चल गया, कल को आपका लोड बढ़ा, आपने एक पैनल और ले लिया, परसों को आपका लोड बढ़ा, आपने फिर एक पैनल ले लिया। तो क्या है कि आप पैरेलल ही इन पैनल्स को कनेक्ट करते चले जाइए, चाहे तो आपने 1 KVA का MPPT PCU लिया है या जो आपने ट्रेडिशनल PWM चार्ज कंट्रोलर लिया है, उसमें पैरेलल ही आप एक एक पैनल को कनेक्ट करते चले जाएंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता चला जाएगा। अब जिन लोगों के पास में पहले से इन्वर्टर बैटरी है उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही उनका 2 पैनल से ज़्यादा उन्हें जाना है कि भाई मुझे तो 2 पैनल से ज़्यादा मेरा लोड चलना है, माना मेरे घर का रेफ्रिजरेटर है या मेरे घर पे कूलर चलते हैं, दिन भर कूलर चलते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि जो उनके ट्रेडिशनल इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे 600 VA का या 1100 VA का ट्रेडिशनल इन्वर्टर अगर उन्होंने लगाया हुआ है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग अपना PCU चेंज कर लें। उनका अपना जो 1 KVA का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो 1 KVA का हमारा PCU है, 1 KVA MPPT प्लस, ये 1200 वाट तक का पैनल सपोर्ट इसके अंदर है, तो 1200 वाट तक का भी पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बायफेशियल पैनल बता रहा हूं कि फ्रंट साइड जो जनरेशन है बायफेशियल पैनल का वो है 200 वाट, और ओवरऑल अगर जनरेशन की बात करेंगे तो करीब 260 वाट 270 वाट के आसपास एक ही पैनल का जनरेशन आ जाता है, तो आप 5 पैनल जो है इसके ऊपर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमारा ये MPPT 1 KVA का मैंने आपको PCU बताया। तो ये एक तरीका। अब इस तरीके में आपकी दोनों ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई कि भाई आपको ना तो EMI पे कहीं से कोई कर्जा लेने की आपको जरूरत पड़ी, आपका जैसे जैसे बजट बढ़ा वैसे वैसे ही आप अपने पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब होने को यहीं पे 390 वाट का हम लोग 12 वोल्ट का भी पैनल बनाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 390 वाट आपका ऑलरेडी जो पैनल है आप उसके लिए भी हमें बता दीजिए, तो फ्रेंड्स 390 वाट आप चाहें तो 390 वाट भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों के मात्र या तो दिन के लोड हैं और कम लोड हैं जिनके, माना कोई बार्बर शॉप है या कोई किराना शॉप है या कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई बिल्कुल उनको सिर्फ एक दिन में एक पंखा चल जाए उनका, शाम को एक लाइट जल जाए, तो 200 वाट का पैनल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी इतना कैपेबल है कि ये आपका एक पंखा दिन भर चला देगा, उसके बाद में शाम को आपकी लाइट जो है वो जल जाएगी और इसमें आपके पैसे भी कम लगे। तो फ्रेंड्स ये पहले हम लोग 195 वाट का बायफेशियल पैनल बनाते थे, अभी हम लोगों ने इसको 200 वाट का कर दिया है, तो 200 वाट का ये जो पैनल है ये आपका बिल्कुल रिलायबल पैनल है। तो ये जो 200 वाट का पैनल है ये जितना छोटा है उतना ही इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिन लोगों के पावर कंजप्शन कम है, कई ईंट भट्टे होते हैं और इस तरह की कई जगह होती हैं जहाँ पे ग्रिड बिल्कुल भी नहीं है, तो उन लोगों को क्या है कि मोबाइल चार्ज करने हैं, मोबाइल कैसे चार्ज हों, रात में एक लाइट उनकी जलनी है, तो ये जो 200 वाट का पैनल है ये आप जला सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप 200 वाट का मैंने आपको पैनल बताया, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 150 Ah की ही बैटरी इसके ऊपर लगानी है, आप कोई भी छोटी बैटरी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कुछ लोग जो डायरेक्ट अपना फैन चलाते हैं या कूलर चलाते हैं पैनल से, मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट सोलर पैनल से कोई भी अपना कूलर या पंखा आप ना चलाएं। है क्या कि आपका जो कूलर पंखा DC वाला बना हुआ है वो बना हुआ है आपका इस तरह कि उसको 12 वोल्ट की सप्लाई, आप जो समझते हैं कि 12 वोल्ट का पैनल है, एक्चुअली 12 वोल्ट का ही पैनल है ट्रेडिशनल भाषा कहने में है, पर इसकी जो वोल्टेज होते हैं वो 21 वोल्टेज होते हैं,
तो आपका जो कूलर है, कूलर की मोटर है, आपकी पंखे की मोटर है, उसको अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाएंगे तो उसमें आपका पंखा की मोटर या कूलर की मोटर को आपकी को हार्म हो सकता है, आपकी मोटर फूक सकती है। तो उसका तरीका यह है कि आप या तो जो चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर में एक सप्लाई का बटन होता है, या तो आप चार्ज कंट्रोलर से आप सप्लाई ले लें अगर आपको बैटरी नहीं लगानी है, या फिर आप एक छोटी बैटरी लगा लें चाहे, और चाहे कोई बिल्कुल डैमेज बैटरी लगा लें, तो उससे क्या है कि वोल्ट जो है वो रेगुलेट हो जाएंगे और आपका जो भी मोटर है उसको खराब होने का चांस जो है उस कम से कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 किलोवाट का सिस्टम आप 200 वाट के पैनल से किस तरह बना सकते हैं। आप अपने लोड के अकॉर्डिंगली एक एक पैनल बढ़ाते चले जाइए, जिस दिन आपको लग जाए कि भाई इतने पैनल से मेरा लोड जो है वो चल जाता है, सफिशियंट है, बस उतने पैनल पे आप फुल स्टॉप कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक सवाल ये होगा कि सर पूरा वीडियो समझ आ गया आप लोगों को कि अब इसकी पैनल की जो प्राइसिंग है वो क्या है और कहां से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पैनल की जो प्राइसिंग है वो है 9,500 रुपये इंक्लूडिंग GST, और आपको आपके नियर अबाउट में जो भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास से इसी रेट में आप लोगों को ये पैनल मिल जाएगा। अगर आपके पास में कोई हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से भी इस पैनल को जाके बाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे, और ये जो पैनल है ये हम सिंगल पैकिंग में ही इस पैनल को बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पैनल सिंगल पैकिंग में ही बिकता है। तो आप ये वाला एक पैनल भी मंगाना चाहें तो एक पैनल भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।